नमस्कार, बिहार 24 सबसे सामना आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है, दुदुम्बी बज चुकी है। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, जिसमें महागठबंधन के तरफ से सुमन कुमार महासेठ और त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे गुलाब यादव बसपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल किए हैं। इससे पूर्व एनडीए से रामप्रीत मंडल नामांकन दाखिल कर चुके हैं और कई कुछ निर्दलीय लोग हैं। पूरी चुनावी सभा बन चुकी है। हम यहां पर मौजूद हुए हैं इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले बसपा के उम्मीदवार, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो महागठबंधन से काफी प्रयास कर रहे थे, बावजूद वो उन्हीं का, गुलाब यादव का ही शब्द है कि मेरे आगे में महागठबंधन ने पड़ोसी थाली दे करके थाली परोस के दिया और छीन लिया। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अंततः वो चुनावी मैदान में हैं और चुनावी मैदान में आने के बाद जो पीछे हमारी भीड़ है, मैं कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं, कुछ लोगों से मैं बात भी करवाता हूं और मैं जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर गुलाब यादव को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं और इस चुनाव का कैसे नजरिए देख रहे हैं। यहाँ पर मैं मंच के अगर पीछे आया हूँ, कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजदेव यादव। कहाँ घर हुआ? भदवान। इस चुनाव का कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत माहौल अच्छा है जी। जी हाँ, जीतने का भी इनका बहुत अच्छा संभावना है। किनका? गुलाब जी को। गुलाब यादव चुनावी मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं हुए? नहीं हुए, बसपा से हैं। क्या लगता है यह चुनाव कैसा रहेगा? वोटर इनके तरफ 110% बोलिए, 110% आ गया है इनके पास में। जितने आरजेडी मैंडेट का वोटर था, सब कम का, यादव मुस्लिम सब कम का वोटर इनको तरफ जो है जुट चुके हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपको। मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? इनसे महात्मा। क्या नाम हुआ बताइए, बताइए। मेरा नाम रामदास पासवान। कहाँ घर हुआ? ब्रह्मपुर पैंता थाना के अंतर्गत। लोकसभा चुनाव को जी जी में गुलाब यादव जो आए हैं जी जी, टिकट तो उनका बसपा का है जी जी, कैसे देख रहे हैं? कितना मजबूती से देख रहे हैं? भारी मस्त जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हारेंगे तो और क्या, एनडीए जो है सब हारेंगे। नहीं, एक जीतेंगे तो दूसरा कौन जीतेगा, यही जीतेंगे और दूसरा हारेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 100% जीतेंगे ये दावा कैसे कर रहे हैं आप? इसलिए जो उनका पहले से भी क्षेत्र में ग्रामीण से जुड़े हुए नेता हैं, यही लेकर के ये विश्वास है जो बहुत भारी मत से जीतेंगे जी जी। हमारे बगल में एक बीएसपी के झंडा के साथ हैं, युवा वोटर हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम सद्दाम शेख हुआ मान्यवर। जिस तरह आपने बोला कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी से माननीय गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। हर समाज का वोट इनको प्राप्त होगा, मुस्लिम समाज का, दलित समाज का, यादव समाज का, हर समाज का वोट इन्हें प्राप्त होगा। और ये ऐसे नेता है, भाईचारा इखलाकियत में विश्वास रखते हैं, जमीनी स्थल पे काम करते हैं। सद्दाम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जो मुस्लिम कौम का वोट होता है वो महागठबंधन, राजद वगैरह सब लोग जानते हैं जो हमारे हैं, क्या उस धारा के विपरीत इनको वोट मिलेगा? इनको बहुत वोट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा। 1,00,000+ वोट से ही जीत रहे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई हैं ये, राजा का बेटा राजा हो अपनी चलने वाला है। लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। आदरणीय गुलाब यादव जी गरीब का बेटा है और यही चुनाव जीतेंगे जी जी। धन्यवाद, मैं अन्य लोगों से भी आपकी बात करवाता हूँ। हमने कुछ लोगों से बात कराई, अभी एक व्यक्ति है, शहजादा। नाम क्या हुआ? शहजादा मोहम्मद अवैस नाम है। घर कहाँ हुआ? महापतिया, मधेपुर प्रखंड महापतिया, एक पंचायत है जी जी, वहाँ से। जी जी, ये चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बसपा के उम्मीदवार हैं, मैं गुलाब यादव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने परसों हमारे चैनल को इंटरव्यू में बताया कि महागठबंधन मेरे सामने में थाली परोस के दिया और छीन लिया। देखिए, इस तरह की बात तो सुनने में आ रही है। असल में गठबंधन में जो भी लोग थे उनको सोचनी चाहिए कि झंझारपुर लोकसभा जो है बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ अगर आप दिमाग लगाते हैं तो यहाँ की मिट्टी में सियासत है। यहाँ की मिट्टी, आप छोटे छोटे बच्चे से मिल लीजिए कि आप किसको पसंद करते हैं, तो वो डायरेक्ट ये कहेंगे जो हमारे सिटिंग एमपी हैं, एमपी साहब हैं, कि वो तो सर दिखे ही नहीं 5 साल। दिखा भाई, दिखा कौन?
आप किसको च्वाइस करते हैं? तो सीधा उनका कहना कि हमारे बीच में जो आते हैं उनका नाम गुलाब यादव है, बल्कि वो जीते हुए नहीं है, पूर्व में झंझारपुर से वो कागज विधानसभा से थे, विधायक थे, लेकिन उनका माइंड जो उनका लोगों से जुड़ाव है, लोगों से मोहब्बत मेल जोल, आप रात में 12 बजे भी अगर आप उनको कॉल करते हैं कि सर इस तरह की बात है तो ठीक कहाँ पे क्या है, खुद से पहुंच जाते हैं। अगर खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो जो उनके कार्यकर्ता लोग उनको भेजते हैं, भाई वहाँ जाओ, वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, आप जा करके उनसे मिलिए, जाके देखिए आप क्या चीज़ है। तो गुलाब यादव जो है यहाँ पर नाम नहीं ब्रांड है, ये सच्चाई है। और हमारे एक दोस्त हैं, वहीं से क्या मैं सही कह रहा हूँ, गुलाब यादव नाम नहीं, गुलाब यादव बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद कामिल जी, मैं डारा पंचायत से आता हूँ, मधेपुर प्रखंड अंतर्गत। आपको कैसे विश्वास है कि इस जहाँ एक तरफ दो दो धारा बह रही है उसमें तीसरी धारा निकल जाए? जनता पूरा तैयार है, झंझारपुर लोकसभा का सभी जनता मालिक मूड बना चुके हैं और वो लोग किसी धारा में बहने वाले नहीं है। उनका एक ही कहना है कि झंझारपुर का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वह कोई हो। इसीलिए माननीय पूर्व विधायक गुलाब यादव जी नॉमिनेशन आज कर रहे हैं और पूरा अपार जन समर्थन इनके पक्ष है, दिखाइए पूरा। और 100% माननीय पूर्व विधायक गुलाब यादव जी चुनाव जीत कर संसद जाएंगे निश्चित रूप में। आपका क्या नाम हुआ? रिजवान आलम। रिजवान जी, एक चीज बड़ा मरके की चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए राजद को छोड़ करके ये अल्पसंख्यक गुलाब यादव को क्यों वोट करेंगे? नहीं, एक सवाल है सर, हम राजद को नहीं छोड़े, राजद ने हमें छोड़ दिया, हम लोगों को राजद को हमने नहीं छोड़ा, राजद ने हमको छोड़ दिया। सर हम एक चीज कह रहे हैं कि एक सिक्के का दो पहलू, एक सिक्के का दो पहलू, कलम में आइए ना। पहले सुमन कुमार महासेठ जो थे वो पूर्व में MLC रह चुके हैं भाजपा की तरफ से, और उसके बाद उनके अलावा कोई नहीं मिला उनको। यहाँ मेन मोटिव क्या लोगों का कि आप RSS के व्यक्ति को नहीं ला करके आप किसी भी आम लोग को लिया? हम लोग को लड़ा देते, कार्यकर्ता थे, राजद के कार्यकर्ता थे, हम लोगों को लड़ा देते, पूरा झंझारपुर में इतना कार्यकर्ता है, उनको कोई नहीं मिला और ये RSS के डमी कैंडिडेट को ला करके हम लोगों के बीच भेज दिए, जो कल तक सभी का हम लोगों को तालिबान कहा करते थे वो। मतलब आपका कहना यह है कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो आप लोगों को पच नहीं रहा? बिल्कुल नहीं पच रहा, इसीलिए गुलाब यादव जिंदाबाद। बिल्कुल गुलाब यादव के साथ हम लोग ऐसे भी रहे हैं, वो हमारे स्थानीय नेता है, झंझारपुर का बेटा है, इसीलिए हम लोग उसको तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात और भी है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि तेजस्वी यादव जी, ये मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, असल में तेजस्वी यादव जी को पूरा बना हुआ एक प्लेटफॉर्म मिल गया पिताजी का, लालू यादव जी का। एक सच्चाई है कि जिस वक्त कोई किसी के सामने बोलता नहीं था, कमंडल का जमाना आपको याद होगा, लालू जी जमीन पे उतर करके और इस तरह मेहनत किया उन्होंने, लेकिन आज वो समझ तेजस्वी जी के अंदर नहीं, क्योंकि उनको अपने पिताजी का जो है मिल गया विरासत, और उस विरासत को ये इतना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जी कितना मेहनत किए, शहाबुद्दीन साहब जो RJD के वो नेता में से जो मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे, लालू जी अगर पानी पीते थे तो शहाबुद्दीन भाई पानी पी रहा हूँ, इतना उनमें गुड फेथ, इतना मोहब्बत था। शहाबुद्दीन साहब की लाश पड़ी रह गई दिल्ली में 3 दिन तक, तेजस्वी यादव जी देखने तक के लिए नहीं गए, तो ये हमारे लिए कितनी तकलीफ की बात। तेजस्वी जी आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि मुसलमान को आपने बंधुआ गुलाम बना दिया है, और आप सोचते हैं कि हमारे अलावा लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं, अपने वोट के लिए हम खुद आज़ाद हैं, हम आपके मोहताज नहीं हैं, हमको जिस पे अच्छा लगेगा, जिस पे हमको भरोसा होगा हम उसको सही करेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा सर कि आप RJD के लोग हो गए। जी जी, आपने तो कही जो मैं बड़ी बातें कह रहा हूँ, एक हमारे तरफ से भी बड़ा क्वेश्चन रह जाए, क्या मुस्लिम कौम इस नाराजगी से नए विकल्प को खोज रही है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इस चीज को देख लीजिए, विकल्प तैयार है। के पहले लोग सोचा नहीं करते थे, लेकिन इस दफे अगर आप इसका ये करेंगे यहाँ से लेकर के मधुबनी से मधेपुर तक, तो गुलाब यादव के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। सभी लोग आज भी लोग एक तरह से हवा बना दिया गया है, अब ये हवा टूटेगा, ये भरम टूटेगा, अगर तेजस्वी जी अपनी आंख नहीं खोलेंगे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं बता दूं कि मैं गुलाब यादव जी का मैं वर्कर नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं और मैं देखने के लिए आया था इस प्रोग्राम, और अचानक मैं आम आदमी से ही पूछ रहा हूं। जी मैं बिल्कुल आम आदमी हूं, तो मैं मुझे इस चीज की दर्द है कि तेजस्वी यादव जी आप कर क्या रहे हैं, आप एक नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, और बिहार के लोग आपकी उम्मीद की, तो आप उस नौजवान की उम्मीदों को, बिहार के लोगों की उम्मीद को तोड़िए मत,
बहुत जरूरी है। आगे आपकी बहुत सारी जो है सियासत बाकी है, आपका पूरा करियर आपका बाकी है। आप इस तरह से उत्साह में छोटी मोटी बात, आप किसी को मिटाने की बात करेंगे? आप किसी को मिटाने की बात नहीं कर सकते, आप किसको मिटाने की बात कर रहे हैं? हमेशा जो नेता वो जनता से बनता है, जनता से नेता बनता है, नेता से जनता नहीं बन सकता, इस बात को याद कर लीजिए। गुलाब यादव जी, जी जी, मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहूंगा। आपने कहा 2024 में दिख जाएगा विकल्प, सारा विकल्प तैयार है। हम लोग इस बार ठान चुके हैं कि सबसे पहले हमारा पहला कर्तव्य है कि माननीय पूर्व विधायक गुलाब यादव जी को चुनाव जीता करके सांसद भेजना है, चाहे जैसे हो। उसके बाद हम लोग विकल्प तैयार कर चुके हैं, कहाँ जाना है तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा। जी जी जी, ठीक है। मैं चाहूंगा सर कि आप जमीन पे आइए, झंझारपुर आइए, मधेपुर आइए और गांव देहात जाइए, वहाँ का जो जो आम लोग है। कहाँ गांव हुआ आपका? मेरा गांव महापतिया हुआ, महापतिया पंचायत मधेपुर। जरूर आऊंगा। जी जी बिल्कुल, हम आए हैं गुलाब यादव जी को। गुलाब यादव को चाहते हैं जी? बहुत मन धन से, बहुत धन। क्यों इससे प्रेम करते हैं? हम लोगों का क्षेत्रीय नेता है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा हम लोग से बर्ताव रखा है, इसीलिए चाहते हैं। आप अपने खर्चे पर आए हैं कि लाया गया है आपको? नहीं, अपने खर्चा से आए हैं। चलिए ठीक ठीक, विभिन्न लोगों से मुलाकात हमारी हो रही है। अब आपको मेन सभा में मैं लिए चलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेन सभा में जा करके अन्य लोगों की बातें मैं आपको सुनवाऊँ। उसने थाली मेरे सामने जो छीन लिया है उसका जवाब देंगे आप लोग देंगे। 3 दिन तक हम पूरा क्षेत्र घूमे, घूमने के बाद कहा किसी अति पिछड़ा को हराएंगे, आप हमको सिमोल वापस दे दीजिए। हमने दे दिया उनको सिमोल और कहा किसी अति पिछड़ा को हरा दीजिए, हम उनको जिताकर लाने का काम करेंगे। हमको बात नहीं मानते हुए और किसी और को दे दिया गया है जो झंझारपुर का नहीं है, झंझारपुर से बाहर का आदमी को दे दिए हैं। आप लोग सही आग्रह है कि आप लोग जनता मालिक होते हैं, जनता भगवान होते हैं, किसी दो बात लगे अपने बात को काम करते हैं। जय हिंद जय भारत। प्रेम मेरा देश के लिए धड़कता के लिए, सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के। Thank you.